हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज संडे स्पेशल में आपके लिए एक स्टोरी लेके आया, मोटिवेशनल स्टोरी लेके आया, जिसको सुन के डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा, आपको सीख मिलेगी कुछ ना कुछ। लेकिन उससे पहले, शुरुआत करने से पहले, स्टोरी सुनाने से पहले आपको चार लाइनें सुनाना चाहूँगा, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि लाइनें जब आप सुनते हो तो आपको थोड़ा सा वाकई में अच्छा लगता है। शेर व शायरी आजकल लोगों को पसंद है, जो आपको पसंद है उसके हिसाब से लेके चलते हैं, ताकि आपको सीख भी मिले। और सीख प्रॉब्लम क्या है कि जब स्टोरी में सुनाता हूँ तो आप लोग सुनना नहीं चाहते, मतलब पूरी स्टोरी नहीं सुनती हो तो पूरी में मुझे लगता है कि आप शायरी शायद नहीं सुन पाते, जिस वजह से आप नहीं समझ पाते कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। लेकिन आज मैं आपको चार लाइनें जो सुनाऊंगा उससे आपको जरूर कुछ ना कुछ सीख मिलेगी और डेफिनेटली आपको कुछ मिलेगा। और चार लाइनें आप सुनते हो, इन चीज़ों को सुनते भी हो, उसको बस अपने अंदर ले लोगे तो आपको फायदा मिलेगा। कि लाइन कुछ इस प्रकार है कि आपने देखा होगा, मैं कोचिंग में जाता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो काफ़ी लोगों के बारे में मुझे पता होता है कि कौन क्या है। तो एक बार एक बच्चे ने मुझसे बोला था कि सर दुआ करिए कि जॉब लग जाए। तो उसको मैंने एक शायरी पहले कभी सुनी थी, इंस्टाग्राम पे सुनी थी मैंने कभी शायरी, मुझे वो याद आई एकदम से, वो मैं लाइन उसको बोली थी, वही मैं आज सुनाना जा रहा हूँ आप लोगों को। कि जहाँ देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, जहाँ देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए लाखों तैयार बैठे हैं, हजारों मर गए लाखों तैयार बैठे हैं, और करके अपनी जिंदगी बर्बाद प्यार के पीछे, करके अपनी जिंदगी बर्बाद प्यार के पीछे हैं। कहते हैं गुरुजी दुआ करो, बेरोजगार बैठे हैं, कहते हैं गुरुजी दुआ करो, बेरोजगार बैठे हैं। तो ये एक सच्चाई है कि मैंने जिस बच्चे ने मुझसे कहा था, क्योंकि हम लोग जब कोचिंग में पढ़ाते हैं सभी टीचर्स, तो वो जानते हैं कि कौन पढ़ रहा है और कौन क्या कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग देख के बता नहीं सकते, देख के पता चल जाता है कि किसकी पढ़ाई में इंटरेस्ट है और कौन क्या किस चीज़ में इंटरेस्ट है। ये हम देख के पहचान लेते हैं कि हाँ भाई, कौन सा लड़का क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। सेम चीज़ लड़कियों के लिए भी लागू होती है। फिलहाल इसलिए शायरी में तो था लड़कियों के पीछे, बट मैं लड़कियों के पीछे क्यों नहीं बोला कि बर्बाद अपनी ज़िंदगी लड़कियों के पीछे, ये शायरी में था, बट मैंने लड़कियों के पीछे इसलिए नहीं बोला क्योंकि सेम लाइंस लड़कों के लिए भी हैं और लड़कियों के लिए भी। ये मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ, मैं किसी लड़कों के लिए नहीं बोला कि मैं लड़का हूँ तो सिर्फ लड़कों के लिए बोल रहा हूँ। मैं शायरी नहीं सुना रहा, मैं आपको मोटी एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि इस लाइन को अगर आप ध्यान से सुनोगे तो लड़कों के लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना लड़कियों के लिए। कि जहां देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, ये लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी, जहां देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए लाखों तैयार बैठे हैं, हजारों मर गए लाखों तैयार बैठे हैं, और करके अपनी जिंदगी बर्बाद प्यार के पीछे, मैंने प्यार बोला है चाहे वो लड़कियों चाहे लड़की, करके अपनी जिंदगी बर्बाद प्यार के पीछे, और कहते हैं गुरु जी दुआ करो, बेरोजगार बैठे हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इन चीजों से जॉब नहीं लगने वाली, जॉब लगानी है तो आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और इसी के ऊपर मैं सुनाने वाला हूँ कि बिना मेहनत करे जो आप चाहते हो ना, दुआ करो और जॉब लग जाए, कुछ नहीं होगा। दर्द सहना पड़ेगा, तकलीफ सहनी पड़ेगी, सुबह 5 बजे उठने का मन नहीं करता लेकिन उठना पड़ेगा, घर वालों की डांट भी सुननी पड़ेगी, क्लास में आके कोचिंग में सर की डांट भी सुननी पड़ेगी जो आप नहीं चाहते सुनना, ऑफकोर्स नहीं चाहते कि भाई बेइज्जती हो रही है बच्चों के सामने और बच्चों के सामने, सुननी पड़ेगी। और इसी के ऊपर एक स्टोरी है, मैं सुनाता हूँ जिसको आपको शायद जिससे आपको सीख मिले। कि एक बार एक यात्री, एक मूर्तिकार रास्ते में जा रहा होता है तो उसे एक बहुत अच्छा पत्थर दिखाई देता है, तो उस पत्थर को देख के उसके दिमाग में आता है कि मैं इससे एक बहुत अच्छी मूर्ति बनाता हूँ। तो वो उस पत्थर पे लेता है अपना छेनी हथौड़ा, निकालता है, उसको पीटना शुरू करता है। पत्थर से आ जाती है, प्लीज मुझे मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ दो। तो वो कहता है सब्र करो, मैं तुम्हें बहुत अच्छी मूर्ति बनाऊंगा। वो कहता है नहीं मुझे मत मारो, कोई बात नहीं, वो उसे चुपाता है, फिर शुरू करता है, थोड़ा सा के देखो, मारता है। तो पत्थर कहता है नहीं प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं जैसा हूं मैं वैसे ही ठीक हूं, मुझे नहीं बनना मूर्ति, मुझे ऐसे ही छोड़ दो। मूर्ति का फिर भी उसे समझाता है कि तुम बहुत अच्छे, तुम्हें पोटेंशियल है, तुम बहुत अच्छी मूर्ति बन सकते हो, तुम बहुत अच्छी क्वालिटी के हो, तुम मेरी बात मानो और थोड़ा सा दर्द सह लो, उसके बाद सब तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम्हें मैं मंदिर में स्थापित करवाऊंगा, तुम कोशिश करो दर्द सहने की, थोड़ा सा दर्द सह लो बस। वो फिर उसको मानना शुरू करता है, वो फिर कहता है कि नहीं नहीं नहीं। तो ऐसे ही चलता रहता है, मामला समझाने की कोशिश करता है, आखिरकार जब वो अंत में मार रहा होता है तो वो कहता है पत्थर कि मैं जैसा हूं मुझे वैसे ही रहने दो, मुझे नहीं बनना, मुझसे दर्द सहन नहीं होगा, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़। अब मूर्तिकार भी उसे समझा समझा के थक चुका होता है कि भैया दर्द सहलो थोड़ा बन जाएगा, लेकिन जब मूर्तिकार थक चुका होता है सोचता है छोड़ो, जब यही नहीं चाहता तो छोड़ दो। मूर्तिकार वो छोड़ के आगे निकल जाता है, उस पत्थर को ऐसे छोड़ देता है, थोड़ी आगे जाता है तो वो देखता है कि एक और पत्थर अच्छा क्वालिटी का पड़ा हुआ है, मतलब बहुत अच्छा है, जो इससे मूर्ति बनाई जा सकती है। तो वो लेता है पत्थर और उसको ठोकना पीटना शुरू करता है, बढ़िया करके ठोकता है पीटता है, और वो जो पत्थर होता है वो दर्द सहता है, वो नहीं मना नहीं करता, वो दर्द को सह लेता है और वो कहता है कि ठीक है जो कर रहे हो करते रहो आप,
और मैं तैयार हूँ। तो वो ठोकता है पीटता है ठोकता है पीटता है मूर्तिकार, और एंड में जाके एक बहुत अच्छी सी मूर्ति बनवाते हैं। कुछ दिन बाद उस मूर्ति को एक मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। सब लोग दूर दूर से आते हैं, उसकी पूजा करते हैं, पंडित लोग उसकी उसको सेवा करते हैं, बाद लोग उसकी पूजा करने आते हैं, फूल चढ़ाते हैं, मालाएं चढ़ाते हैं। अब होता क्या है कि कुछ लोग वहाँ पे मन्नतें मांगते हैं, गोला फोड़ने की रिवाज होता है नारियल फोड़ने का। तो दिमाग में आता है कि भाई नारियल फोड़ना है तो एक काम करो, एक पत्थर लेके आओ। तो पंडित जी एक पत्थर लाने के लिए भेजते हैं ग्रामीण को, ग्रामीण जाता है एक पत्थर लाता है, पत्थर मंदिर में रख देता है। अब जब पत्थर मंदिर में रख देता है तो लोग आते हैं और आके उस पर नारियल फोड़ते हैं और उस वाली मूर्ति के हाथ जोड़ते हैं, भगवान के हाथ जोड़ते हैं और वहाँ पे चले जाते हैं, और लोग आते हैं नारियल फोड़ते हैं। अब ये पत्थर वही पत्थर था जिसको मूर्तिकार ने आधा छोड़ दिया था। ये वो देखता है कि और पछताता है कि काश उस समय मैंने दर्द सह लिया होता तो आज लोग मेरी भी पूजा कर रहे होते, आज मुझे उससे दुगना दर्द भी सहना पड़ रहा है और मेरी पूजा भी नहीं हो रही। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। मैं समझाना चाह रहा हूं कि आप चाहे स्टूडेंट लाइफ में हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, जो बच्चा जितना दर्द सह रहा है आज दर्द सह लो। अगर तुमने आज दर्द सह लिया तो लोग आने वाले समय में तुम्हारी खुद पूजा करेंगे। पूजा करने का मतलब क्या है, तुम्हें पूजेंगे, तुम्हारी बात करेंगे। पैसा है तो भैया सब कुछ है, अगर आपके पास अच्छी सक्सेसफुल हो तो आपकी, मैं हमेशा बोलता हूँ, प्यार मोहब्बत दर्द इश्क जो भी है, फैमिली मेंबर दोस्त वगैरह सब साथ है। और पैसा नहीं है ना, जो गरीब है उसको कोई नहीं पूछता, ये बात समझ लो, तुम लिख के रख लो कि शादी हो भी गई, चलो मैं तो कह रहा हूँ तुम्हारा सच्चा प्यार है, शादी कर भी ली उसने, लेकिन उसको खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ना, नहीं खिलाओगे तो क्या होगा एंड में, अंत में जाके या तो उसको फिर, मतलब अब समझ जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ, मेरा मकसद है आपको पढ़ाई के लिए मोटिवेट करना, कोई ज़्यादा मैं स्टोरी को या इस तरीके से नहीं समझा सकता। जैसे मैं अगर मैं लाइव होता तो शायद समझाता, अभी यूट्यूब पे काफ़ी लोग देख रहे हैं जो मुझे नहीं जानते कि मैं कैसा हूँ या मैं क्या पढ़ाता हूँ क्या नहीं पढ़ाता हूँ, तो ये चीज़ यूट्यूब पे बोलना उस तरीके पे समझाना थोड़ा सा ऑकवर्ड लग सकता है, तो दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे इसको ज़्यादा इस बात को नहीं खींचूंगा। लेकिन हाँ, इतनी बात समझाना चाहूँगा कि आप लोग अगर पढ़ाई कर रहे हो, इस समय दर्द सह रहे हो तो वो सह लो। अगर आप एक बार सक्सेसफुल हो गए, माँ बाप भी प्राउड फील करेंगे, हम टीचर जो आपको डांट रहे हैं मार रहे हैं वो भी प्राउड फील करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ आपको डांटने का ये होता है कि आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनाना, आपकी जॉब लगवाना, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं और आपकी जॉब लगी तो हमारी पढ़ाई पढ़ाना भी बेकार है, इसलिए हम सिर्फ दुआ करते हैं कि आपकी जॉब लग जाए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसलिए डांटते भी हैं, काफ़ी बच्चे बुरा मान जाते हैं, हम फोन चलाने को मना कर देते हैं, वो बुरा लग जाता है कि यार क्लास के बाहर निकाल दिया अगर, तो बोले यार बाहर कैसे निकाल, क्यों जाऊँ मैं बाहर। तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, हम लोग क्यों निकाल रहे हैं क्लास के बाहर, ताकि बाकी बच्चे जो बैठे हैं उनका भविष्य अपना तो कर ही रहे हो, दूसरों का तो मत करो ना, इसलिए हम लोग क्लास के बाहर निकालते हैं। तो इससे कोई पर्सनल हमारा कोई ये दुश्मनी नहीं, हम क्या चाहते हैं, बस आपको अच्छा बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग बन जाओ मूर्तिकार का क्या, उसमें उसको क्या मिला ये करके, उसका सिर्फ नाम हुआ कि हाँ यार ये इतनी अच्छी मूर्ति बनाता है। तो हम लोग के अगर आपकी जॉब लगी तो हमें क्या, हमें कुछ नहीं मिलने वाला ना, आप सैलरी देने वाले, पूजा तो आपकी होगी ना, लोग आपको मानेंगे हाँ इस लड़के की जॉब लगी, इस बंदे ने मेहनत करी आपने। मूर्तिकार को कोई नहीं पूछेगा किसने बनाई मूर्ति, बस ये है कि हाँ जॉब लगी, आप याद रखोगे, मूर्ति याद रखेगी, वो पत्थर याद रखेगा कि हाँ उस मूर्तिकार ने मुझे अगर नहीं ठोका पीटा होता तो आज मैं मूर्ति नहीं बनता, लोग आज मेरी पूजा नहीं करते। आप लोग अगर याद रखो कि हाँ सर ने हमें पढ़ाया था, अच्छा हमारी जॉब लगे, बस ये हमारे लिए सब कुछ है। तो आप लोगों को दर्द सहना, सुबह जल्दी उठो, रात में देर से सो, पढ़ाई करो, इस समय दर्द सह लोगे आगे पूरी जिंदगी अच्छे से कटेगी। और इस समय अगर दर्द नहीं सहा कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं जल्दी नहीं उठ पाऊंगा और मैं घर वालों की डांट नहीं सुन पाऊंगा, तुम्हारी डांट नहीं सुन पाऊंगा, सर की डांट नहीं सुन पाऊंगा, मैं छोड़ देता हूँ कोचिंग बेकार है ये वो, अगर आज नहीं सहा तो आने वाले समय में तुमने देखा एक बेचारे मजदूरों को देखो, जो बेचारे सुबह से 12 बीच ईंटें लेके चलते हैं, इतने बुजुर्ग लोग भी, क्योंकि घर पालना है वरना घर नहीं पलेगा उनका। तो बेटा आज थोड़ी सी मेहनत कर लो, आगे मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। ज़्यादा वीडियो को लंबी ना करते हुए यहीं पे अपनी वाणी को समाप्त करूंगा। रोज रात 8 लाइव क्लास चलती है रीजनिंग की, मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ, आप सभी जानते हैं जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, और रोज 8 वीडियो देखने आया करो, लाइव देखा करो, चैट चलती है, चैट में आप रिप्लाई कर सकते हो, कोई डाउट हो मुझे सेंड कर सकते हो। तो मिलेंगे कल रात 8, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शिवरात्रि।